सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील वाला टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपका शॉर्ट्स 1000-2000 व्यूज पे आके रुक जाता है, आपका वीडियो वायरल नहीं होता है और आप बहुत परेशान हो गए हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 4 ऐसे कमाल के टिप्स बताऊँगा जिसे आप अपने वीडियो में फॉलो करते हो तो आपका जो है शॉर्ट्स वीडियो एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। और ये कोई हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, चारों टिप्स बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अगर इसे आपने फॉलो कर लिया तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपका 100% आपका वीडियो वायरल होगा ही। तो चलते हैं वीडियो के पहले ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है मिक्स कंटेंट। देखिए भाई, अगर आप मिक्स कंटेंट वीडियो डालते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे आपका गलती नहीं है, आप YouTube चैनल पे जाते हो और उसके बाद में वहाँ पे तरह तरह के वीडियो देखते हो, कभी स्टोरी टाइप की वीडियो कोई वायरल हो रहा है तो आप स्टोरी टाइप की वीडियो बनाने लगते हो, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार ये फैक्ट वाला वीडियो बहुत सही चल रहा है, इस पर ज़्यादा व्यूज आ रहा है, तो उस तरीके का आप वीडियो बनाने लगते हो। फिर अभी ट्रेंड चल रहा है कंपेरिजन शॉर्ट्स का, तो आप कंपेरिजन शॉर्ट्स की तरफ आ जाते हो। तो ये आप जो गलती कर रहे हो इसको आपको नहीं करना है, इसीलिए 1000-2000 व्यूज आता है। यहाँ पे चक्कर क्या है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको समझ में नहीं आता कि आपका जो कौन सा ऑडियंस के पास में आपका वीडियो भेजना है, इसीलिए 1000-2000 व्यूज पे आके रुक जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो आपको कोई एक जो है आपको कोई एक टॉपिक पकड़ के रखना है और उसी पे वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आज इसे पकड़ लो, इस टॉपिक पे काम करो, कल जो है ये वायरल हो रहा है इस पे आपको काम करना, तो आपका शॉर्ट्स जिंदगी में वायरल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको कोई एक टॉपिक पे वर्क करना है तभी आपका वीडियो वायरल होगा। तो ये हो गया पहला ट्रिक। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है एक शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए। एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल होने में वॉइस ओवर का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं, अच्छे से आपका जो है एडिटिंग कर देते हैं, लेकिन वॉइस ओवर करने में जल्दबाजी कर देते हैं। यहाँ पे वॉइस ओवर आपका सही नहीं रहेगा तो आपके वीडियो को लोग क्यों देखेंगे, आपके जो है 1000-2000 व्यूज पे आके रुकने का यही कारण है। आपका वॉइस ओवर सही नहीं है, आपका जो कंटेंट है उसको लोग देख रहे हैं लेकिन आपका वॉइस ओवर सही नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, आप ऐसे लग रहा है कि अभी सो के उठ रहे हो ऐसा बोल रहे हो, तो इसलिए आपकी वीडियो में व्यूज नहीं आता, तो आपका जो है इसीलिए 1000-2000 पे आके रुक जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वॉइस ओवर बहुत ही एनर्जी लेवल बढ़ा के करना है और फुल कॉन्फिडेंस में करना है। दादी का घर वर्सेस नानी का घर। मैं हूँ दादी का घर और मेरे घर में आपका सामना होगा पापा मम्मी दादा दादी और अंकल आंटी से, और मैं हूँ नानी का घर और मेरे घर में आपको प्यार मिलेगा मामा मामी और नाना नानी से। तो जिसको जिसको नानी का घर अच्छा लगता है वो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा नानी के घर में कौन प्यार करता है। तो वही जिसको दादी का घर अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा दादी के घर में कौन प्यार करता है, तब जाके आपकी वीडियो में व्यूज आएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कैसे भी करके लाइक्स और कमेंट्स कराने हैं अपने वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट्स पे जो है जब आपकी वीडियो में लाइक्स और कमेंट आएंगे तभी जाके आपका वीडियो वायरल होगा और वॉइस ओवर अच्छा रहेगा, लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो उनको पसंद आएगा तभी वो लाइक्स और कमेंट करेंगे। तो जब लोग लाइक्स एंड कमेंट्स करेंगे तब यूट्यूब को लगेगा हाँ भाई इसके वीडियो में दम है, और उसके बाद में तब यूट्यूब जो है आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में भेजेगा और उसके बाद में धकाधक व्यूज आना चालू हो जाएगा। ये हो गया दूसरा, और उसके बाद में आप चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा है भैया टाइमिंग, और टाइमिंग के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने YT स्टूडियो में। तो यहाँ पे YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। YT स्टूडियो ओपन करने के जस्ट बाद में यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स ओपन कर लिया और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए राइट साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे सामने ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे ये देखिए ये लोड चार्ट है ना, इसको आपको समझना है। आपके जो है आपके YT स्टूडियो में इस तरीके का आपके सामने आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको देखना है जो यहाँ पे जो ये डार्क जो है इस तरीके से जो है सर्कल जो ये इस तरीके से डार्क जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे ज़्यादा है उस टाइम पे आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है, और उसके बाद में इसी के हिसाब से आपको वीडियो डालना है। ऐसा यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा जो ये ऑडियंस जो है यहाँ पे देखिए दिन के 12 बजे यहाँ से जो है हमारे ऑडियंस हमारा वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे शाम को भी देखते हैं।
शाम 6 बजे से दबा के हमारे ऑडियंस एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे लोड चार्ट जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ये डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमारे ऑडियंस इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव है। तो इसी को आपको पकड़ के रखना है, और जहाँ तक कोशिश करिए आप अपना वीडियो शाम के 6 बजे के बाद ही डालिए, मतलब 4, 5, 6 के बीच में डालेंगे तो आपका वीडियो वायरल होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसी टाइम जो है ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो ये हो गया आपको टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग जो है, नहीं तो फिर ऐसा कर लीजिए आप अलग अलग टाइम पे वीडियो डालिए, कभी मॉर्निंग पे डालिए, कभी 12 बजे डालिए, कभी 6 बजे डालिए, कभी 8 बजे डालिए, जिस टाइम पे आपका वीडियो वायरल होता है उसी टाइम को पकड़ लीजिए, और उसके बाद आप उसी टाइम को पकड़ लीजिए और आपका वीडियो वायरल होता रहेगा। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक, अब चलते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा टॉपिक मैं बता दे रहा हूं, चौथा है भैया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको बहुत ही ज्यादा मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर वीडियो डालना है, रेगुलर जो है आपको दो वीडियो रेगुलर तो डालना ही डालना है, दो नहीं तो एक पक्का डेली आपको एक डालना ही डालना है, और उसके बाद में तब जाके आपके जो है वीडियो वायरल होंगे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जब आप रेगुलर रहोगे तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, और उसके बाद में आपका जो है डेली डेली वीडियो डालने से ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, और जो है आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा, तब जाके आपके वीडियो में व्यू जाएगा। आप अच्छा खासा जो है स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अच्छा खासा एडिटिंग कर रहे हो, अच्छा खासा वॉइस ओवर कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखते हो, आप डेली वीडियो नहीं डालते हो, तो आपका जो है वीडियो में व्यूज नहीं आएगा, 1000-2000 पे रुक जाएगा। तो ये 4 टिप्स थे जो भैया मैं आपको बता दिया, अगर इसे आप फॉलो करते हो तो आपके वीडियो में दबा के व्यूज आएगा और वीडियो रॉकेट की तरफ भागेगा और वायरल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।